भाई की जगह परीक्षा देते युवक को दबोचा। मेरठ गढ़ रोड स्थित राम सहाय इंटर कॉलेज में यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा के दौरान शनिवार को मेरठ एसटीएफ ने छापा मारा और यहां से एक संदिग्ध छात्र को पकड़ा। खुलासा हुआ कि वह अपने बड़े भाई के स्थान पर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड पर फोटो बदलकर परीक्षा दे रहा था। अब तक वह 4 विषयों की परीक्षा दे चुका है। राम सहाय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एस एन त्यागी ने बताया कि शनिवार को एसटीएफ टीम ने छापा मारा और परीक्षा केंद्र में जमील नामक परीक्षार्थी के स्थान पर 10वीं की परीक्षा दे रहे युवक को दबोच लिया। उससे पूछताछ में पता चला कि वह बागपत के मैथिली का शकील है। पुलिस ने बताया कि शकील अपने बड़े भाई जमील के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। प्रधानाचार्य ने नौचंदी थाना पुलिस को बुलाकर आरोपी को सौंप दिया। इंस्पेक्टर नौचंदी ने बताया कि जमील ने हाई स्कूल परीक्षा के लिए आवेदन किया था। शकील ने फोटो साफ से एडिट कर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड पर जमील की जगह अपना फोटो लगा लिया। मूल परीक्षार्थी जमील लिसाड़ी गेट की मदीना कॉलोनी में पत्नी सहित रहता है। वह एक पब्लिक स्कूल भी चलाता है। शकील से फर्जी कार्ड भी बरामद हुए हैं। तुम्हारा नाम शकील है? एग्जाम किसका दे रहे हो तुम? जमील के। ले लो। सर, एक नकली छात्र पकड़ा गया नकल करते हुए, क्या पूरा मामला? मामला ये था, यहाँ सेंटर पर परीक्षा दे रहा था, एसटीएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं वे आए, उन्होंने शिकायत की कि भाई आपके यहाँ कोई फर्जी बच्चा है। हमने सचल दस्ते को भेजा तो सचल दस्ते ने देखा, वास्तव में लगा बच्चा फर्जी है। फिर पूछताछ की गई बुलाकर पेपर के बाद, तो वो फर्जी निकला। सर, कौन सी क्लास का छात्र था? टेंथ का। टेंथ क्लास का। सर, क्या ये पहले भी पेपर दे चुका है? पहले पेपर दे चुका। फर्जी कैसे साबित हुआ? फर्जी ऐसे साबित हुआ जब उससे नाम पूछा गया, एड्रेस पूछा गया और जो आधार कार्ड था उसमें भी उसका फोटो क्लियर नहीं था, तो तब शंका पैदा हुई। बच्चे का नाम था शकील और बैठा हुआ था जमील के नाम पर।